नंबर एक। गाइस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया उनके गधे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान में 58 लाख से ज्यादा गधे हैं और वो गधों के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इन गधों से पैसा कैसे कमाता है। दरअसल पाकिस्तान इन गधों को चाइना एक्सपोर्ट करता है, वहीं चाइना इन गधों की स्किन का यूज करके अपने लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाता है, यानी कि दवाइयां। और ये दवाइयां चाइना में इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि चाइना इसके प्रोडक्शन के लिए गधों का इलीगल तरीके से इम्पोर्ट भी करता है। और एक रिपोर्ट की माने तो चाइना इंडिया से भी इलीगल गधों को इम्पोर्ट करता है, और शायद इसी वजह से इंडिया में गधों की संख्या लगातार कम होते जा रही है और पाकिस्तान में इन गधों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और वैसे भी पाकिस्तान में कहां गधों की कमी है। फैक्ट नंबर दो। मेरे पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा है भाई, इन बहानों से बाहर निकलो और जापान से सीखो। क्या आपको पता है कि जापान की ज्योग्राफी दुनिया की सबसे घटिया ज्योग्राफी है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के मामले में वो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। जी हाँ गाइस, जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ एक देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप और सुनामी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, अकेले जापान में 100 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि दुनिया भर के ज्वालामुखी का 10% है। वहीं यहाँ की जमीन का 70% हिस्सा पहाड़ और पठार से घिरा हुआ है, और बस सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ खेती की जा सकती है। और तो और, जापान में गैस, ऑयल, कोयला और मिनरल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कि साधनों की कमी आपकी सफलता निर्धारित नहीं करती, बल्कि आप उन उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं सफलता इस पर निर्भर करती है।